खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों एवं शिक्षित बेरोजगारी महंगाई के विरोध में जिला कलेक्टर सिंगरौली के सामने जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AICC एवं सीधी सिंगरौली लोकसभा प्रभारी हरिकेश त्रिपाठी एवं प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री तथा सीधी सिंगरौली सदस्य अभियान के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के ही बीच में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब कांग्रेस OBC वर्ग के अध्यक्ष लखन लाल शाह ने कहा कि आज भी जिले के अधिकारी हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं, भाजपा के नेताओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बीच में ही वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह हमारा निजी मामला है, पार्टी फोरम में इस पर विचार किया जाएगा। उक्त धरने में AICC प्रभारी हरिकेश त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मोदी जी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर हस्तक्षेप करते हैं, चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से सरकार बनाने में बाधक बनते हैं। महेंद्र सिंह चौहान जी ने कहा कि मोदी जी का झूठा नारा आज भी याद है जिसमें कहा गया था कि देश के सभी नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे, जो अभी तक किसी के खाते में नहीं आया। नोटबंदी जैसी घटना हम सभी को दिल्ली के रामलीला जो आगामी 14 जनवरी को होने जा रही है वहां सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। वहीं कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के खिलाफ ये मेरा आंदोलन था और ये तो एक प्रदर्शन था बहुत संक्षिप्त में। इसके माध्यम से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और हमारा एक विशाल प्रदर्शन जो होने जा रहा है वो 14 तारीख को 14 दिसंबर को लखनऊ में सोनिया जी के नेतृत्व में राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में उसको हम करने जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है महाराष्ट्र की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जब वहाँ पर लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई, राज्यपाल महोदय रात्रि में 12 बजे उठते हैं और वो विश्वास कर लेते हैं, फिर तुरंत राष्ट्रपति शासन खत्म करने की चिट्ठी लिख देते हैं और 5 बजे फिर उनको ये आभास हो जाता है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, शपथ दिला देते हैं। इससे नरेंद्र मोदी जी को खुद समझ जाना चाहिए कि उनके उसमें क्या चल रहा है। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।